बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ शामी कबाब की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसे मैं बनाऊँगी एक अलग अंदाज से और इसका टेस्ट खाने में बहुत ही मज़े का लगेगा आपको और बहुत ही टेस्टी भी। दावतों में ट्राई कीजिएगा या आम रूटीन में आप इसे बनाकर फ्रीज करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कबाबों के लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए चाहिए मुझे 1 टेबल स्पून कबाब चीनी, 2 अदद पीपली। ये दोनों चीज़ें बाज़ार का जो हम पैकेट मंगवाते हैं उसमें शामिल होती हैं और इससे कबाबों में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। 1 टीस्पून डाल दिया है साबुत ज़ीरा, 3 अदद पुलाव पत्ता, 2 अदद बड़ी काली इलायची, इसको तोड़कर शामिल कर दीजिए। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 अदद जावित्री, बड़ी साइज़ की ली है मैंने। 3 अदद साबुत काली मिर्च ली हैं, 10 अदद और 6 अदद मैंने ली हैं लौंग, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। बस इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। बिल्कुल फाइन पाउडर ना भी हो तो कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा दरदरा सा इस तरह से हमें ये पाउडर चाहिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है, बस इसको रखते हैं साइड पे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो उसमें मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 2 अदद स्लाइसिस में कट की हुई रफली प्याज़ें, 1 अदरक को मैंने 6 पीसेस में कट कर लिया था और 8 अदद लिए हैं मैंने लहसुन के जवे। बस इन दोनों तीनों चीज़ों को हमने बिल्कुल सौते होने तक थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बोनलेस चिकन, मेरे पास है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन को भी इन तीनों चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करके कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेना है। चिकन को भी हमने अच्छे से कर लिया है फ्राई। अब मैं इसमें थोड़े मसाले शामिल करूंगी। सबसे पहले डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। आप नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा होने की सूरत में। और 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं रेडी किया हुआ मसाला, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और साथ में मैंने डाली हैं गोल मिर्चें 8 अदद, इनको हमने चिकन के साथ मिक्स करके भून लेना है। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। बस इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और जब इससे कबाब बनकर रेडी होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखिए ये अब मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दाल, जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो कर रख दिया था और वॉश करने के बाद, और उसका पानी निकाल के अब मैंने इस चिकन में शामिल कर दिया है। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चिकन के साथ ही। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 कप पानी और प्रेशर कुकर तकरीबन 10 मिनट तक लो हीट पे मैंने बंद करके इसको पका लेना है, जब तक दाल जो है अच्छे से गल जाएगी। बस 10 मिनट ही इसको हमने बंद करना है। अगर आप पैन में बना रहे हैं तो तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे दाल गलने में। ये देखिए 10 मिनट हो चुके थे, मैंने प्रेशर कुकर को ओपन कर लिया है। दाल बहुत अच्छे से गल चुकी थी और हमने फ्लेम को हाई करके तमाम जो लिक्विड था इसका ड्राई कर लिया है और ये इस तरह से हो चुका है चिकन और दाल का मिक्सचर। बस अब हमने क्या करना है, स्पून की बैक साइड से इसको अच्छे से करना है मैश। मैं इसको चॉपर में नहीं पीसूंगी, बगैर चॉपर के ही हम इन कबाबों को रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से चिकन का रेशा जो है वो बहुत अच्छे से टूट जाएगा और दाल के साथ ही मिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको कर लेते हैं ठंडा। चिकन का मिक्सचर हो चुका है ठंडा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हैंडफुल हरा धनिया, अगर आप हरी मिर्चें भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मिर्चों का टेस्ट इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। साथ में मैंने डाल दिया है 1 अदद अंडा और इन दोनों चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स और उसके बाद हम इसकी टिक्किया रेडी करेंगे शामी की। मिक्सचर मिक्स होके रेडी हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा लेना है हाथ में, जिस साइज़ की भी आप टिक्किया बनाना चाहें उस तरह से हमने छोटी छोटी इसकी टिक्किया रेडी करनी है और उसके बाद इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। इस कबाबों का टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे, ये इतने मज़े के रेडी होते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह आपके लिए और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। ऑयल को मैंने गरम किया है और उसमें डाल दिए हैं रेडी किए हुए कबाब की टिक्किया और जैसे ही एक साइड से कलर आएगा साइड को कर देंगे टर्न।
दूसरी साइड से भी गोल्डन होने तक फ्राई करके हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट कलर आ चुका है दोनों साइड और हमारी शामी बिल्कुल रेडी हैं। इनको इंजॉय कीजिए चावलों के साथ या फिर केचप के साथ, आप इस तरह भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस कबाब की रेसिपी आप सब फ्रेंड्स के लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।